इनकम टैक्स हमारी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज है, आप इंडस्ट्री को जो टैक्स कहें उस सिस्टम में मौजूद है, उसके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उसके पास निजाम मौजूद है, सनत मौजूद है, उसके बाद छोटी सनतें मैं एग्री करता हूं बिल्कुल हुकूमत के साथ कि जनाब 46,000 टोटल टैक्स पेयर है और लाखों जो है वो सनतें यहां चल रही हैं जो कि बिजली का कनेक्शन कर, बिल्कुल उनको आप उसको स्ट्रक्चर बनाएं और उनको रजिस्टर होना फर्ज है। हमारा मुल्क ये हमारी मिट्टी है, ये हमारी अमानत है, इसको टैक्स नहीं देंगे तो मुल्क कैसे चलेगा, मैं एग्री करता हूं उससे। बट जो चीजें बिजनेस कम्युनिटी की ठीक है उसको भी देखने की जरूरत है। जो मैं जिसको आज रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो रिप्रेजेंट टेक्सटाइल को कर रहा हूं, तो टेक्सटाइल या एक्सपोर्ट सेक्टर जब 70-80% एक्सपोर्ट होता है और 11 साल से इसको जीरो रेट चला रहे हैं, अगर आपने डोमेस्टिक कंजम्पशन को टैक्स करना था तो डोमेस्टिक कंजम्पशन को टैक्स तो आपने माल कहां से बिकता है, डाइट कपड़े के बाद, मैं कह रहा हूं डाइट कपड़े पर टैक्स लगा लें, आपने पहले जीरो रखा था आप उसके ऊपर टैक्स लगा लें ताकि आपका जो टैक्स कलेक्ट जो है आपने पहले रेट ही जीरो रखा हुआ है डोमेस्टिक और फिक्स टैक्स रखा है, आप 7.5% के टैक्स से शुरू कर दें और 7.5% के टैक्स से शुरू करके जो है वो भी आप चेन को जीरो तक लाएं और कंजम्पशन के ऊपर टैक्स 7.5%। एक फैक्ट्री जो कि धागा रुई लेती है और डाई फैब्रिक निकालती है, क्या उस फैक्ट्री के ऊपर डिफरेंट स्टेजेस पे टैक्स लगता है? एक ही फैक्ट्री है, रुई ली, डाई कपड़ा उसने निकाला, उसने धागा बनाया, उसने कोरा कपड़ा बनाया, उसने फिनिश किया, माल बेचा, उसके किसी